सवेरे से माई बाप के रहे बड़ा डंगर है। तो कलर जान थी कहे ना बिहार कर ला कहे ना कर ले तो लड़का बताओ लग हम के दुलही चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली बोला दौरा दौरा रोका दौरा स्टाइल वाली ना हो स्टाइल वाली ना ये कदम लपका हुआ चपका हुआ या मोबाइल वाली ये कड़ी आपके बताने जा रहे हैं अरे पर गौर किया ख्याल करवा हाँ कहत है कि आए वाली पूरी सुधर गई हवा सुहल देव के कुलवा के पंडाली भैया आखिर महल गई लिया मरई बाटे हो न पूरा बकरी भैया मकान देखा था विरासत में ना मिले इसे विरासत में नहीं पाए हैं अपने गट्टा के ताकत से अपने मेहनत के ताकत से इसे बनाए हैं जबकि आप राजवाड़ा थे राजा थे कोर्ट किला कचहरी सब कुछ था लेकिन कुछ मिला नहीं था सब कुछ छीन गया कोई चीज बता रहे हैं महल गई ले और मरई बाटे हो न पूरा बकरी राज शहर के करीब है शहर से कटे हैं तो हमारे वराज के पास कुछ तो मकान है बढ़िया नहीं है लेकिन है बिहतिया में जा आज के बाद बताओ थी अजियो अपने खानदान के कुछ ऐसा गरीब भवन बढ़िया झोपड़ी तक ना बढ़िया मड़ई ना है इसलिए बताओ थी कि तुम्हारे पास हाथी घोड़ा बैल है ताज राज सब कुछ था आज कुछ नहीं है क्यों क्यों
नौकर चाकर कवन चलावे खुट्टू भैला नौकरी कड़ी तरी से लगा हा। आप लोग बुरा मत बनी, हमारे बिरादरी एक बड़ी गंदी काम करे ले, बहुत गंदा काम बताई दे। जिस कर में था तेगा सो है उस कर में अब सात हरिंदर बाबू आज अधिक से अधिक देखे के मिले लगे अपने जाति के लोग बैठ के कहला पकड़ कहले के पकड़े हाँ कोर्ट करे कहला के पकड़े तो पकड़े साँझ हो जाइए अगर लड़का स्कूले जाते हैं आ कही दल बाबू तेरे 5 रुपया दिया तो अगर लड़का लम्बा है तो गाड़ी देकर भगैया अगर लड़का नगीचे थपरा से बने ये ताश की बात बता रहे हैं। सबसे बुरी आदत है ताश, ताश नाश कर दी एक छोड़े को हुई जिस कर में था तेरा सो है उस कर में अब ताश का कहत को लोगन भैया के बड़ी अच्छा बाढ़ ना तो छोड़ा। देखिए ये स्वाभाविक बात है, अगर आप ताश खेलेंगे तो आपका बच्चा देखेगा और बच्चा देख रहा है तो आज नहीं कल वो खेलेगा, इसलिए छोड़िए। जिस घर में था तेरा तो है उस घर में अब ताश बचपन के फुलवानी भाई मेरे मित्रों ताश खेलत खेलत हाला पकड़त पकड़त लोग जीवे खेले लगल। ताश एक ऐसी बुरी आदत है कि अगर ताला पकड़ खेलत हवा कल वही पर पैसा के जुआ खेले लगवा। अजुआ इतना खराब चीज है कि मगर महाभारत पढ़वा तो महाभारत में द्रौपदी के लोग जुआ पर दाव लगा था। बताइए जुआ इतना खराब है, जुआ किसी का न हुआ इसलिए उससे बचना है। जबिया बचपन के फुलवानी भैया देखा अपने समाज में कहीं कुछ नेता किसी का लड़का नेता किसी का यानी नेता नेता गिर कर कहेला कि भैया बकरी खोल बकरी देख छोड़ना मुर्गी मत पाला हम कहला के पाला मुर्गी पाला बकरी पाला ये लिए बीए करके बकरी चरावा। अरे हम बताओ से बउरा जब सौहर भा सौहर भा वॉइस करी का सौहर ना बा
बतेले के बकरी के सोहर ना जब भैंस के सोहर ना बा भैया तो हम चार के बकरी देख ले तो उ तुरंत भयंकर लड़कन से मत पढ़वा बा अरे मत चलवा लड़के के पढ़वा बा लड़का पढ़े बकरी मत चलावे बस बुढ़िया चला लड़का ना लड़का लड़की पढ़े हाँ हाँ लड़कन के रोक का बड़ी अगली लाइन बहुत बढ़िया हाँ जिसका बच्चा दूध था पीता ये वो पीता ताड़ी ये आप लोगों ने होली का फरमाइश किया मैंने उसको काट करके इसीलिए गाया कि अपने समाज के लोग समझे कि कितनी बुराइयां हमारे अंदर है ये सोनू राजभर जी के कृपा द्वारा उनके माता जी से बहुत बहुत पुरस्कार शुभ शुभ आशीर्वाद को और ये बच्चा दूध पीता पीता आखिर वह बच्चा तारी कैसे पियलस एक समझा लोगन समझे के है बाप 20 रुपया देला कहला बेटा फलगमा के जो तारी ले लिया लड़का भागल भागल फलना के जला फलना कितना बेईमान आदमी है कि 20 रुपया का तरिया दे के गिलास के पिया दे कही बेटा घलुए में पी ले गिलास ले फल फायदा करे तो बेटा एक दिन पी दो दिन पी तीसरा दिन पी तो चौथा दिन मांगे लगी यही तरह लत धलेला इससे बचना होगा आप अपने बच्चों को पिया तारी कर बहुत बुरी चीज आप पिया लेकिन बच्चन के दूर था जिसका बच्चा दूध पीता है वो पीता तारी पुलिस भैया सारी भैया अगर ऐसा काम ना करबा पुलिस पछियाई ना अगर अपने बिरादरी के कुछ ऐसा लड़के से कहदा तो बात जात हो सो हमके पियक्कर बनाओ थो अरे घोड़ा ना पिए मत क्यों कही हम देख तबे ना कल तू पियला हमके क्यों कह दे तू लोग तो कही सब तू का सब कह हमके क्यों ना कही ए लिए बताओ सही एके समझा तारी शराब ई शरीर के विनाश करी धन के विनाश करी भिखारी बना दे सेवनी और दुख पर आई हां अरे भाईवा हम ही कहा करते तुझ बरात को एक बात और बताओ थी देखा हमन की गली मत हमन तो सहज के ढगीचे आई खरीद के खा ले जला लेकिन देहात में अगर दबरा में चार को सिधरी लौट गई खाली टेड़ुला लौट जा बस वो पूरा गढ़ा उधा जाई भले पावे भर मिले ई छोड़े के होई वो गढ़ा के छोड़े के नहीं छोड़ेंगे विकास नहीं होगा इसलिए कहता हूं कहना है क्या रानी वास की रानी रोहिणी भुखली भगिया भैली ई आदि शक्ति जननी आप लोग खातिर बतावत है जे हमारी उम्र का होई हमार ढेर उम्र ना हो 64 निक्षा थी ढेर उम्र ना हो 64 निक्षा थी तब कहा लल कि हमारी उम्र के जे माता बहिन हुई एकदम निरक्षर हुई हाँ भाई
वहन बताओ थाई हमार मलकिनो नहीं रचे रही उनका भैया पढ़ ले हम लेकिन भैया बन बन के ना पढ़ोला ओए हाल हमरो ओए ओए समझ ला आज के 25 30 बन पहले हम लोगों में बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था काहे पढ़ा के क्या करबा इज्जत चल गई और मैं कहता हूँ कि आज तन मन धन से पढ़ाइए अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी रानी वास की रानी मेरी भुखली भगिया भैली खोरी साल भात के सानिए भैया साल भात के सानिए भैया एक बात देखा आखिरी हमारे बात थी हो अगर यही के अमल कर देवा लोगों ने आप देखा नशा खराब हो दारू पूरा खराब नहीं है दारू कहा गया है दवा दारू दारू को दवा को संभाल लेंगे तो आपके सेहत को रखेगा और दारू के नशा के संभाल लेवा तो मुराय दई नाश कर दी इसलिए आपको समझना है जो हम बात बता रहे हैं इसको अमल कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी कहा शिक्षा दीक्षा दूर दिल सकी कराई राजा पक्का यह मूलधन है यही मूलधन है बताइए बहुत ही सत्य भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा के ही बल पर सारे दुनिया को मुल्क नचा दिया शेरनी का दूध है हाँ शिक्षा शेरनी का दूध है वास्तव में शेरनी का दूध है कहने की बात नहीं है वास्तव में शेरनी का दूध शिक्षा है तो सब कुछ कर लेगा शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा अगर बढ़िया पढ़ लिखा वाला कलेक्टर साहब के बगलिया में कुछ लाकर बैठ जाओ कुछ ना करिए बतीबे ना करिए बात करिए अंग्रेजी बोलते अंग्रेजी बोलिए ना पढ़ने वाला हुजूर साहब अरे बाबूजी पे कहा शिक्षा दीक्षा दूर दिस की कराई राधा पक्का कर आप सबसे विनती है ये सूरत बा ये घरों में से सूरत बा इतना कष्ट करिया आधी रोटी कम खा लिया एक रोटी कम खा लिया लेकिन अपनी बेटी बेटमा के जरूर पढ़िया शिक्षा ही मूलधन है और कुछ ना है गुरु लगल के राम फेर की देवकी द्वारका गईले I'm
काली राम का बतिया ले मानिए भैया Thank you.